दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार के जितने भी राशन कार्ड धारी है वो बहुत ही आसानी से अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बिना आयुष्मान लिस्ट के ही आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि आज से आयुष्मान कार्ड बिना आयुष्मान लिस्ट के बनने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको अभी तक जो भी जानकारी बताया जा रहा है वो नजदीकी राशन डीलर के पास या जो सीएससी सेंटर चलाते हैं वहां से बना सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि अगर आपके घर में राशन कार्ड है तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बिना कहीं गए घर बैठे ही सिर्फ अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के माध्यम से आसानी से सभी परिवार के या फिर आस पड़ोस के भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। कैसे आप घर बैठे खुद से आयुष्मान कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप बिहार के राशन कार्डधारी हैं तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बिना आयुष्मान लिस्ट के आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। अब इस वेबसाइट पाने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर में टाइप करना है beneficiary.nha.gov.in। ये लिख के आप जैसे ही सर्च करें तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। फिर भी इस वेबसाइट तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो आपके सहूलियत के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करें तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई विकल्प पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा एंटर करना है और लॉगिन विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। लॉगिन विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से आप पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, तो इस तरह से आपको बिहार स्टेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से सब स्कीम में PMJY क्लिक रहने देना है। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यानी कि जिला का नाम सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से और सर्च बाय पे क्लिक करना है। अब दोस्तों के जिसका आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम नहीं था अब उनका भी यहाँ पे डिटेल सर्च हो जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जोड़ दिया गया है। अब अगर आप अपना डिटेल सर्च करना चाहते हैं तो जो बेस्ट लगता है उस माध्यम से सर्च कर सकते हैं। मैं इस तरह से आधार नंबर पे क्लिक कर दिए, उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर कर लेना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद सर्च विकल्प इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सर्च विकल्प पे क्लिक हैं तो इस तरह से आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, यानी कि आपके राशन कार्ड में जितने भी व्यक्ति होगा उन सभी का आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा। अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो जिसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है उसका इस तरह से वेरीफाइड और अप्रूव करके देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों का ये जो 5 नंबर का कैंडिडेट है इसका नहीं बना हुआ है तो इसका हम बनाएंगे घर बैठे ही, तो उसके लिए आपको क्या करना है इस पे इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट करना होगा, उसके लिए आपको वेरीफाई विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ कंसेंट है इन्हें पढ़ लेना है, इस पे क्लिक करना है, अलाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट मोड पूछा जा रहा है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों के यहाँ पे आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो मैं आधार ओटीपी के माध्यम से करने वाला हूँ, तो इस तरह से आधार ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी गया होगा तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और जिस मोबाइल नंबर के माध्यम से इस पोर्टल में लॉगिन किए हैं उस पे ओटीपी गया तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। ऑथेंटिकेट पे जैसे ही क्लिक दोस्तों यहाँ पे लोडिंग लिया जाएगा, कुछ सेकंड वेट करना है और वेट करने के बाद दोस्तों के फिर से यहाँ पे आपसे eKYC के लिए पूछा जा रहा है, तो मैं आधार ओटीपी के माध्यम से करने वाला हूँ, तो इस तरह से आधार ओटीपी पे क्लिक करना है, वेरीफाई विकल्प पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंसेंट पूछा जा रहा है, इन्हें आपको पढ़ लेना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है, अलाउ विकल्प पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों फिर से आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी गया होगा तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और इस पोर्टल में जो मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन किए हैं वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप ओटीपी एंटर करेंगे यहाँ पे लोडिंग लिया जाएगा, कुछ ही सेकेंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको एक लाइव फोटो खींचना होगा, तो आप मोबाइल से डायरेक्ट कैमरा के माध्यम से फोटो खींच पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका कितना परसेंट डाटा मैच है वो आपको यहाँ पे डाटा देखने को मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे एक लाइव फोटो खींच लेता हूँ उसके। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको लाइव फोटो खींच लेना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है, प्रोसीड विकल्प पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको इस तरह से स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए आपसे एक चीज पूछा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे तो
डू यू हैव मोबाइल नंबर, क्या आप अपने आयुष्मान कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हैं? चाहते हैं तो यस पे क्लिक करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, तो जो आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए, उसका रिलेशन क्या है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख लेना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है इस तरह से पिन कोड लिख लीजिए। और यहाँ से आपको वो रूरल है या ग्रामीण क्षेत्र है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना गांव का नाम सिलेक्ट करना है, जो भी आपका गांव का नाम है। तो इस तरह से आप अपने गांव के नाम पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद सबमिट विकल्प पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट विकल्प पे क्लिक करेंगे इस तरह से लिखा जाएगा केवाईसी कंप्लीटेड, प्लीज डाउनलोड द आयुष्मान कार्ड आफ्टर सम टाइम। यानी कि आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ ही सेकंड वेट करना है या कुछ मिनट तक वेट करना है, उसके बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको ओके विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके विकल्प पे क्लिक करें दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपके शुरू में ही बताए थे कि 5 नंबर का मैं केवाईसी कर रहा हूं, और यहां पे आप देख सकते हैं इंस्टेंट अप्रूव हो चुका है, वेरीफाइड भी लिखा आ गया, और यहां देखिए अप्रूव्ड लिखा है। और ये जो डाउनलोड का लोगो है, इस डाउनलोड विकल्प पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड विकल्प पे क्लिक करें दोस्तों, तो यहां देखिए तुरंत ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करें तो यहां पे देख सकते हैं डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आपको फिर से क्या करना है, इसको लॉग आउट कर देना है। तो मैं इस तरह से लॉग आउट कर देता हूं, और लॉग आउट करने के बाद फिर से आपको पुनः लॉग इन कर लेना है। तो मैं फटाफट से लॉग इन कर लेता हूं। तो दोस्तों हमने यहां पे फिर से वही डाटा को सर्च कर लिया, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। और यहां पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहां पे देखिए 5 नंबर का वही नाम दिया गया। हालांकि मैं सिक्योरिटी रीजन से कुछ डाटा को ब्लर किया हूं। अब डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड आइकन पे इस तरह से क्लिक कर देना है, वेरीफाई विकल्प पे क्लिक करना है, कंसेंट यहां पे पूछा जा रहा है, इन्हें आपको अलाउ कर देना है। और अलाउ करने के बाद यहां पे ऑथेंटिकेट मोड पूछा जा रहा है, तो आधार ओटीपी, आधार फिंगरप्रिंट, जो भी आपको बेस्ट लगता है उस माध्यम से कर सकते हैं। अब आपके मोबाइल पे ओटीपी गया होगा, आधार ओटीपी आपको यहां पे एंटर करना है, और इस पोर्टल में जो मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन किया वो ओटीपी आपको यहां पे एंटर करना है, और उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमने यहां पे दोनों ओटीपी एंटर कर लिए हैं, उसके बाद आपको सिंपली ऑथेंटिकेट पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ऑथेंटिकेट पे क्लिक करें तो इस तरह से आपका कार्ड का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। अब अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक करना है, लेकिन क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बताया गया कि योर कार्ड इज गेटिंग प्रोसेस, प्लीज वेट सम टाइम, थैंक यू फॉर। यानी कि आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा, और वेट करने के बाद आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे।